इन दिनों रीवा में कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। खाद्य पदार्थ बनाने से लेकर उनके रख रखाव और मानक सभी पहलुओं की टीम बारीकी से जांच कर रही है। आज टीम सिरमौर चौराहा स्थित दो दुकानों पर पहुंची, जहां पहले तो दोनों दुकानों के कारखानों को देखा, जहाँ व्यापक गंदगी देख टीम ने फटकार लगाई और जल्द सुधार करने नोटिस जारी किए। साथ ही बन रहे खाद्य पदार्थों की जाँच की व मानक है या अमानक। टीम ने अब तक 36 से ज्यादा दुकानों पर औचक निरीक्षण किया, जहां से खाद्य सामग्री के सैंपल जांच के लिए एकत्रित किए गए। साथ ही साफ सफाई और खुले में खाद्य पदार्थ न रखने की समझाइश दी गई। त्योहारों के समय दुकानदार ज्यादा मुनाफे के चक्कर में मिलावटी सामान से मिठाइयां तैयार कर बेचते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होता है, लेकिन इस बार प्रशासन मिलावट को रोकने लगातार कार्रवाई कर रही है। हम फूड की गुणवत्ता को और सुरक्षित फूड, जिसको सेफ फूड बोला जाए, इसको सुनिश्चित करने के लिए हम सैनिटेशन हाइजीन पे भी ध्यान दे रहे हैं कि हर रेस्टोरेंट में, हर प्रमाइसिस में जहां स्वीट्स का या कोई भी फूड आइटम की प्रोसेसिंग होती है, मैन्युफैक्चर होता है, वहां सैनिटेशन और हाइजीन के सर्वश्रेष्ठ जो मानदंड हैं उनको अप्लाई करने का प्रयास किया जाए। और दूसरी चीज़ है वो है जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है वो उच्च गुणवत्ता का हो, कहीं से भी सब स्टैंडर्ड ना हो। अगर ये दोनों चीज़ों को मेंटेन किया जाएगा तो फूड की जो है गुणवत्ता और सुरक्षा दोनों ही सुनिश्चित हो जाएगी। मिलावट से मुक्ति अभियान को लेकर के लगातार अपने यहाँ कार्रवाइयाँ हो रही हैं और ये कार्रवाइयाँ नवरात्रि से चूँकि पर्व त्यौहार शुरू हो गए हैं तो तब से ही ये कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। इनमें हम लोगों ने प्रमुख जो फोकस रखा है वो दूध और दूध से बने हुए खाद्य पदार्थों को लेकर के है, क्योंकि इनकी कई बार शिकायतें भी मिलती हैं और फूड पॉइजनिंग या अन्य प्रकार की चीज़ें भी होने की संभावना रहती है। तो इसमें लगातार अपने यहाँ जो औषधि जो फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर्स हैं वो लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। कल तक अपने 2 दिनों पहले तक का जो अपना डेटा था उसमें लगभग 36 जगह ये कार्रवाइयाँ हुई हैं, 36 जगह से सैंपल लिए गए हैं और ये सैंपल लेने की प्रक्रिया भी लगातार चल रही है। साथ ही जो इस काम में जुड़े हुए लोग हैं उनको ये समझाइश भी दी जा रही है कि वो मिलावट वाले खाद्य पदार्थों से दूर रहें और इस तरीके की चीज़ें अपने प्रतिष्ठानों में ना